गजानंद मसाला प्रस्तुत नोखी अनोखी रसोई पावर्ड बाय प्रिस्टाइन ना प्रायोजक गजानंद कुमठी लाल कश्मीरी मर्चू पाउडर। जहाँ हो प्रिस्टाइन वहाँ हो शाइन ही शाइन। हेलो एंड वेलकम टू गजानंद मसाला प्रस्तुत नोखी अनोखी रसोई पावर्ड बाय प्रिस्टाइन। मित्रों रोज आज समय तमे अपनी मुलाकात थवानी राह जोता हो छो अने एटला माटे ज हाजर छीए अमे समयसर करावा तमने स्वादनी सफर। आज आपणे शीखीशुं बे डिफरेंट अने नवी वानगीओ अने एना माटे चालो शुरू करीए आजनी सफर तमारी दोस्त ध्वनि साथे। આજે આપણે આવ્યા છીએ અમદાવાદના ઉસ્માનપુરા વિસ્તારમાં આવેલ હોટેલ ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્કમાં। આ સ્ટાર હોટેલમાં આજે સ્ટાર રેસિપી શીખવાની છે, તો તૈયાર રહેજો। મળીએ આ વિરામ બાદ ગજાનંદ મસાલા પ્રસ્તુત નોખી અનોખી રસોઈ પાવર્ડ બાય પ્રિસ્ટાઇન। ઓહો આ એસિડિટી, વધુ તીખું ખાવાથી પરેશાન તો કોઈ પણ મરચું નહીં, માત્ર ગજાનંદ કુમઠી લાલ કશ્મીરી મરચું પાવડર અપનાવો જેમાં કોઈ કૃત્રિમ રંગ નથી અને ઓછું તીખું, ઘેરો લાલ રંગ અને બહેતરીન સુગંધ જે પોષક તત્વોથી ભરપૂર પણ છે, એટલે હવે બેફિકર થઈને સ્વાદિષ્ટ વ્યંજનનો આનંદ લો। ગજાનંદ કુમઠી લાલ કશ્મીરી મરચું પાવડર। ये तो रोज रोज की परेशानी है। ले आओ प्रिस्टाइन ओरिजिनल का डिओडोराइजर ब्लैक फ्लोर क्लीनर, जो चीटियां मक्खी और कॉकरोचेस को दूर करता है और फ्लोर में नई चमक भी देता है। जहाँ हो प्रिस्टाइन वहाँ हो शाइन ही शाइन। अमदावाद ना उस्मानपुरा विस्तार में आवेल होटल फॉर्च्यून लैंडमार्क छे आपणू आजनू डेस्टिनेशन। मॉडर्न फेसिलिटीज, रिफ्रेशिंग एम्युनिटीज और कम्फर्टेबल डाइनिंग धरावती आ होटल की खासियत है अँनू मेन्यू, ज्यां तमे देश विदेश की वानगीओ माणी शको छो। तो चालो जाइए होटल फॉर्च्यून लैंडमार्क। આજે આપણી સાથે છે હોટેલ ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્કના સુશ શેફ અભિનય જરોનિયા। કુકિંગ ક્ષેત્રે તેમને 10 વર્ષનો અનુભવ છે અને આજે તેઓ આપણને સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ શીખવવાના છે। શેફ પાસેથી વાનગીઓ તો શીખીશું, પણ અત્યારે શેફ વિશે વધારે જાણીએ। શેફ અભિનય જરોનિયા સુશ શેફ તરીકે ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્કમાં કાર્યરત છે। તેઓ 10 વર્ષનો કુકિંગ ફિલ્ડમાં અનુભવ ધરાવે છે અને કોઈ પણ વાનગીને પરફેક્ટ બનાવે છે। શેફ આપણી માટે કઈ કઈ સ્વાદિષ્ટ વાનગીઓ લઈને આવ્યા છે, ચાલો એમની પાસેથી જ જાણીએ। શેફ વેલકમ ટુ ધ શો। થેન્ક યુ। શેફ, હોટેલ ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્ક એક સ્ટાર હોટેલ છે, ઘણા બધા ગેસ્ટ એવા હોય ચેલેન્જ બની જાય છે, તો એની માટે તમે શું પ્લાન કરતા હો છો? ઉનકે લિયે હમ ફેસ્ટિવલ્સ વગેરે કરતે રહેતે હૈ, જૈસે કે અભી હમને રાજસ્થાની ફૂડ ફેસ્ટિવલ કરા, અભી મેંગોઝ કા સીઝન આ રહા હૈ તો મેંગો પ્રમોશન્સ કરેંગે હમ। ઓકે, હાં, એટલે સીઝન વાઇઝ ઘણા બધા ફૂડ ફેસ્ટિવલ્સ થતા હોય છે? હાં જી, વો હમ સીઝન્સ વાઇઝ કરતે રહેતે હૈ, જો ભી સીઝન્સ કા જો ભી ડિમાન્ડ હૈ ઉસકે હિસાબ સે હમ મેન્યુઝ પ્લાન કરતે હૈ ઓર ફેસ્ટિવલ્સ કરતે હૈ, ઓર્ગેનાઇઝ કરતે હૈ। ઓકે, આજે પહેલી વાનગી કઈ બનાવવાના છો? આજ હમ બનાને જા રહે હૈ લોંગ મિસરી કી સિકંજી। લોંગ મિસરી કી સિકંજી। ઓકે, સિકંજી નોર્મલી લીંબુનું શરબત કહી શકાય? હા જી, ये नींबू के शरबत कह सकते हैं, पर मैं थोड़ा सा क्रिएटिव कर रहा हूँ। इसमें सैफ्रॉन फ्लेवर है प्लस लौंग का फ्लेवर दिया है, ये जो कि आजकल समर्स में काफ़ी अपना फ्रेश फ्रेश फील करेगा। आप अगर ड्रिंक करते हैं तो जैसे धूप से बाहर से आए हैं तो आपको एकदम फ्रेश फील होगा जब आप ड्रिंक करेंगे तो। ओके, रिफ्रेशिंग ड्रिंक है ये। अच्छा, समर स्पेशल कही सकते हैं? हाँ जी। ओके, कितना समय लगे इसे बनता? इसको
मुश्किल से हार्डली 5 to 10 मिनट्स लगेगा। ओके, हाँ जी। अने सामग्री में शू लीधु छे? सामग्री में हमें लौंग चाहिए, सुगर चाहिए, लेमन चाहिए, सैफ्रॉन चाहिए एंड मिंट चाहिए। ओके, साथ ही शुगर सिरप छे? हाँ जी, शुगर सिरप है ताकि हमको इजीली डिसॉल्व हो जाए जल्दी से, हमारा टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और जल्दी से बन भी जाएगा। ओके, करिए शुरुआत तो। हाँ जी, जैसे कि फर्स्ट हमको लेमन लेना है, लेमन लेके काट देना है। इसके बाद में हमें एक ग्लास में जूस निकालेंगे लेमन का। लेमन जूस 2 टेस्ट ले सकते हैं? हाँ जी, 2 टेबलस्पून ले सकते हैं। और इसी के साथ में हम इधर पे इसको ऑन करते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि अपना लौंग का एक्सट्रैक्ट जो है फ्लेवर है वो हम ले सकें। अगर आप डायरेक्ट डालेंगे लौंग तो इसका फ्लेवर नहीं आएगा, इस वजह से हम इसमें अभी पानी डालते हैं। अच्छा। पैन में ये हमारे पास लौंग है, पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म होएगा उसके बाद में हम लौंग डालेंगे। ये देखिए पानी में भाव वो स्टीम आने लगी है, तो अब हम इसमें लौंग डालते हैं। ओके, लविंग छे पलाड़ेला लीधा छे? हाँ जी, ये ऑलरेडी पहले से मैंने सोक कर रखा था, क्योंकि पहले से सोक रहेगा तो सॉफ्ट होगा, जल्दी से इसका फ्लेवर हमारे इसमें आ जाएगा। अच्छा। हमने जैसे कि अभी लेमन जूस ले लिया है, हम इसमें अभी थोड़ा सा आइस क्यूब्स वगैरह डाल देते हैं ग्लास में। पानी भी गर्म हो चुका है, अब इसको हम स्ट्रेन कर लेंगे। ओके। अनि सुगंध ऊपर से खबर पड़ी जाए कि लविंग की फ्लेवर आ गई। लविंग की फ्लेवर आ गई, ये देखिए लविंग का कलर भी आ गया। हाँ। है। इसके बाद में हम लविंग का जो भी जूस है इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून। ओके। ये लविंग का स्पून एंड 1 more टेबल स्पून। टोटल 2 टेबल स्पून डाल दिया है। इसके साथ में अब हम मिंट लेंगे, मिंट फाइनली चॉप करेंगे। ये लिया है मिंट, इसको हम फाइनली चॉप करेंगे। फुदीनो लेशो और एकदम झीणो समारी लेशो। हाँ जी, ये देखिए एकदम फाइन हो चुका है मिंट, इसको हम मिंट को ग्लास में डालेंगे। ओके, फ्लेवर माटे लिए छे એટલે જરૂર પ્રમાણે લઈશું। हाँ जी, और इसके साथ ही हमें सैफ्रॉन का वाटर बना रखा है, डिसॉल्व कर रखा है पानी में, तो सैफ्रॉन का फ्लेवर के लिए भी 1 टीस्पून सैफ्रॉन वाटर डालेंगे। ओके, केसर नु पानी से 1 टीस्पून नाखीशू। और अब हम लेंगे वाटर, वाटर डालेंगे। इसी के साथ में हम शुगर सिरप बना रखा है मैंने, तो जल्दी से ये डिसॉल्व हो जाएगा। ये देखिए ये डाल दिया है शुगर सिरप। कितना नाखीशू? इसका 2 टेबलस्पून। ओके, 2 टेबलस्पून शुगर सिरप डाल देंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा स्टेयर करेंगे ताकि मिक्स हो जाए फ्लेवर, दोनों मिंट का भी प्लस सैफ्रॉन का भी इसमें आ जाए। अच्छा। हाँ जी, लौंग मिश्री की शिकंजी तैयार हो गई है। अब गार्निश के लिए हम लेमन लेंगे, लेमन को काटेंगे, ये देखिए, और इसको प्रेजेंट करने के लिए हम थोड़ा सा लेमन लगा देंगे और इसको अब आइस डाल के सर्व करेंगे। ओके, एकदम चिल सर्व करें चिल्ड तो बहुत सरस। हाँ लागे, समर नी सीजन जो समर चाली रहू छे, एकदम गर्मी होय छे અને અમદાવાદ ની ગરમી ની તો ખબર જ હોય બધાને, બહાર થી આવ્યા હોય ઘરે તો આ સર્વ કરીએ વધારે સારું લાગે છે। હાં જી, યે પીને કે બાદ મે એકદમ રિફ્રેશ હો જાયેગા માઇન્ડ, જો ગરમી હે સબ દૂર હો જાયેગી, સ્વાસ્થ્ય કે લિયે ભી કાફી લાભદાયક હે। ઓર પ્લસ યે ટ્રેડિશનલ રાજસ્થાન મે સર્વ કિયા જાતા હે। ઓકે, તો આને રાજસ્થાની ટ્રેડિશનલ ડ્રિંક કહે સકતે હે હમ। ઓકે, तैयार छे लविंग अने फुदीनानी फ्लेवर वाळू समर स्पेशल ड्रिंक लौंग मिश्री की शिकंजी। आनी रीत हूँ तमने लखावीश, पण अत्यारे समय छे एक विरामनो। मळीए आ विराम बाद गजानंद मसाला प्रस्तुत नोखी अनोखी रसोई पावर्ड बाय प्रिस्टाइन।
छेल्ला 31 वर्ष थी 100% शुद्ध ने कुदरती मसालाना उत्पादक गजानंद जेना गळ्या अथाणा मसाला मां छे कई खास काळी द्राक्ष काश्मीरी मरचू काबुली हिंग तज मरी अने रिफाइंड कुरिया खाटा अथाणा माटे अलग पैकिंग उपलब्ध चटाकेदार स्वाद नी साथे मने जोईए प्योर एटले ज मारी पसंद गजानंद आचार मसाला श्योर ये तो रोज रोज की परेशानी है ले आओ प्रीस्टाइन ओरिजिनल का डिओडोराइजर ब्लैक फ्लोर क्लीनर जो चींटियां मक्खी और कॉकरोचेस को दूर करता है और फ्लोर में नई चमक भी देता है जहां हो प्रीस्टाइन वहां हो शाइन ही शाइन खरी चमक माटे लावो चमक चमक चूनो ट्रेडमार्क तथा कॉपीराइट साथ है सारो चूनो फक्त चमक चमक पेंट कैम लिमिटेड अहमदाबाद अरे नहीं नहीं खूब तीखू हशे निश्चिंत थईने खाओ कारण के एमा छे श्री गणेश काश्मीरी मरचू जे वानगी ने आपे छे एकदम कुदरती लाल रंग तेमज प्रमाणसर नी तीखाश मस्त वाह श्री गणेश काश्मीरी मरचा मा छे कैप्सिसिन नामनो कुदरती तत्व जे खोराक ने वधु स्वादिष्ट अने आरोग्यप्रद बनावे छे श्री गणेश काश्मीरी मरचू वेलकम बैक टू गजानन मसाला प्रस्तुत नोखी अनोखी रसोई पावर्ड बाय प्रिस्टाइन होटल फॉर्च्यून लैंडमार्क में ब्रेक पहला शेफ पासे थी आपने समर स्पेशल ड्रिंक सीख्या छे लखी लो आ वानगी नी रीत लॉन्ग मिश्री की शिकंजी बनावा माटे जोई छे लींबु बेनंग पानी जरूर मुजब फलाड़ेला लविंग 20-25 ग्राम बर्फ जरूर मुजब फुदीनो जरूर मुजब केसर वाळू पानी 1 टीस्पून पानी जरूर मुजब सुगर सिरप 2 टेबलस्पून लॉन्ग मिश्री की सिकंजी बनावा माटेनी पद्धति सौप्रथम एक ग्लास मां लींबू नो रस काढ़ो हवे एक पैन मां पानी गरम करी तेमा पलाड़ेला लविंग उमेरी गरम करो हवे लींबू ना रस वाड़ा ग्लास मां बर्फ उमेरो अने उकाड़ेला लविंग नो पानी एक बाउल मां गाड़ी लो लविंग नो पानी बर्फ नाखेला ग्लास मां उमेरो हवे फुदीना ना पान ने झीणा समारी ने ग्लास मां एड करो त्यारबाद तेमा केसर वाड़ू पानी उमेरी सादु पानी एड करी तेमा सुगर सिरप उमेरी मिक्स करी लो लींबू ने रिंग थी गार्निश करी सर्व करो तो तैयार छे लॉन्ग मिश्री की सिकंजी शेफ पासे थी आपने एक सीजनल ट्रेडिशनल वानगी सीख्या हवे वारो छे आवी ज बीजी वानगी सीखवानो चलो पूछिए शेफ ने के वानगी कई छे शेफ बीजी वानगी कई बनावाना छो अभी हम बना जाने ब्लूबेरी पैनकेक ब्लूबेरी पैनकेक ओके नॉर्मली पैनकेक स्पाइसी होय छे मसालेदार होय छे पैनकेक एक्चुअली ये क्वांटिटी बेस्ड है ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाया जाता है ओके हां तो स्पेशली बच्चे बहुत लाइक करते हैं अच्छा ब्लूबेरी से એટલે आई थिंक कलर वाइज पण बहुत सरस लागछे हां हां बेरीज जैसे आपका स्ट्रॉबेरीज हुआ ब्लूबेरी हुआ क्रैनबेरी हुआ इसमें से आप वैसे भी कुछ भी यूज कर सकते हैं जैसे हम ब्लूबेरी बना रहे हैं तो आप इसके बदले आप स्ट्रॉबेरी भी यूज कर सकते हैं ओके कितना समय लगे छे बनता इसमें लगेगा 20 से 25 मिनट अच्छा अने इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या है इंग्रेडिएंट्स में हमें मैदा है शुगर है कैस्टर शुगर है आइसिंग शुगर भी हमने ले रखी है क्रीम है बटर है ब्लूबेरी है बनाना ओके शुरुआत करें हां तो सबसे पहले हम क्रीम लेंगे इसके लिए क्रीम और ब्लूबेरी को ऐड कर देंगे अच्छा ये विप क्रीम है क्रीम कितना लेवानो सर क्रीम लेंगे हम 2 टेबलस्पून ओके अब हम ब्लूबेरी लेंगे ये ब्लूबेरी क्रश है इसको 1 टेबलस्पून ऐड करते हैं ओके और मिक्स कर देते हैं एक टेबलस्पून ब्लूबेरी क्रश ब्लूबेरी क्रश ले लिया है ये हमने मिक्स कर दिया है तमे कहू है ब्लूबेरी नी जगह है स्ट्रॉबेरी क्रश करके भी हम ऐड कर सकते हैं ब्लूबेरी क्रश कोई पण मार्केट में सुपरमार्केट में मिल जाए हां जी मिल जाएगा ब्लूबेरी क्रश तैयार हो चुका है इसको हम सेपरेट रख देते हैं अब हम ब्लूबेरी का पैनकेक का बैटर बनाएंगे पैनकेक के बैटर के लिए हमें मैदा चाहिए ये हमने मैदा ले लिया है जैसे कि 250 ग्राम मैदे में हमें 120 ml मिल्क डालना है ओके 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालना है ये हमने मैदा ले लिया है अत्यारे 250 ग्राम मैदो लिए ये हमारा बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून 1 टीस्पून शुगर लेंगे 2 टेबलस्पून ये 2 टेबलस्पून शुगर ले लिया है
इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। दूध कितलू नाखी से? 120 ml। 120 ml। हाँ। अच्छा, ये हम अब इसका बैटर बनाएंगे। जैसे अभी थिक है तो इसके लिए हम थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर सकते हैं। जरूर लागे तो दूध ना खी सके। हाँ, यूजुअली क्या होता है पैनकेक में हम एग यूज करते हैं, पर ये हम जैन बना रहे हैं, प्योर वेज है, इसमें कुछ एग वगैरह यूज नहीं करा है। इसका पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की, तो अभी भी थोड़ा थिक है तो हम थोड़ा सा और मिल्क ऐड कर रहे हैं। बैटर ने त्यां सुधी बीट करीशु जहां सुधी एकदम स्मूथ ना थी जाए। हाँ जी, इन केस इसमें लम्स पड़ते हैं तो हम इसको स्ट्रेन भी कर सकते हैं। अच्छा, गट्ठा पड़े तो? हाँ, बैटर ने गर्मी की डाली शक्कर। हाँ, छान सकते हैं। अब ये बैटर तैयार हो चुका है, अब हम पैनकेक बनाएंगे। ओके, इसके लिए हमको ऑन करना पड़ेगा अपना नॉन स्टिक पैन। थोड़ा सा गर्म होगा तो हम इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे बटर। ये देखिए, थोड़ा सा हमने बटर ऐड कर दिया है। बटर मेल्ट हो चुका है, पैनकेक का बैटर डालेंगे। नॉर्मली पैनकेक जेवी रीते बनावाई छे एवी रीते ज बनावानो। हाँ, ये देखिए, बटर की वजह से ये स्टिकी नहीं हो रहा है। अदरवाइज ये स्टिकी हो जाता तो प्रॉब्लम होती है। एटलीस्ट साइज की पैनकेक बनावानी सर? हाँ जी, इस साइज की। ये डिपेंड करता है आपको किस साइज की चाहिए। जैसे हमें प्लेटिंग करनी है तो हम इस साइज की इस साइज की पैनकेक बना रहे हैं। आपको अगर नॉर्मली बड़ा बनाना है तो आप बड़ा भी बना सकते हैं। ओके, गोल्डन कलर में आ गया है। एक साइड थी थोड़ा गोल्डन कलर आवी जाए पछी एने पलटावी देजो। बीजी बाजू पण एवो ज आवो ज कलर आवो जोईए। हां जी, अने ए पण ध्यान राखवानुं छे के पैनकेक अंदर थी पण चढ़ी जाए। ये पैनकेक तैयार हो चुका है पहला, अब दूसरा पैनकेक का तैयारी करते हैं। थोड़ा सा बटर डालेंगे। सेम प्रोसेस है, जितनी पण पैनकेक बनावीशो बधी सेम साइज नी होवी जोईए। सेम साइज की होनी चाहिए। बटर लीधुं छे अने नॉनस्टिक पैन छे, पैनकेक बनावी इजी रहेशे। हां, आप अगर बटर यूज करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करेंगे नहीं करना चाहते तो भी आप बिना बटर के भी डाल सकते हैं, पर उसमें चांसेस रहता है कि स्टिकी हो जाए। हाँ, इस वजह से हम बटर यूज कर सकते हैं। इसको चारों तरफ से पका लें, क्योंकि ये देखिए ऊपर को आ जाता है तो इसको साइड एजेस वगैरह भी हमें इसको थोड़ा सा दबा के इसको प्रेस करके हम पका लेंगे, अदरवाइज कच्चा रहने का थोड़ा सा चांसेस है। ये हमारा दूसरा पैनकेक भी तैयार हो चुका है। अब पैनकेक की थिकनेस के भी रखवानी है? पैनकेक की थिकनेस के लिए हमने इसमें बेकिंग पाउडर यूज किया है। नॉर्मली क्या होता है कि एग यूज करते हैं तो वो राइज अपने आप करता है, पर हमने इसी एग नहीं यूज किया इसलिए हम बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है बेकिंग पाउडर यूज करने की। अब हम केला लेंगे। बनाना का स्लाइस करेंगे, जो हम इसके अंदर फिलिंग में स्टफिंग में डालेंगे बनाना। अच्छा, को हाँ। बनाना सारा लगे छे कि पछी कोई बीजू फ्रूट ले सके? दूसरे भी ले सकते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरीज मैंने कहा, जैसे ऑलरेडी वो तो ब्लूबेरी है ही। हाँ। हम पर इसमें एक्स्ट्रा वोट दे रहे हैं फ्लेवर्स बनाना का भी, जो कि इसको ग्रिल करने के बाद में बनाना का काफी अच्छा टेस्ट आता है। हमने बनाना डाल दिया, थोड़ा सा हम बटर ऐड करेंगे। एना थी थोड़ा सॉल्टी फ्लेवर आवी जाए।
ये देखिए बनाना कैरमलाइज हो गया है। एकदम ग्रिल नहीं करवाना, खाली थोड़ा गोल्डन ब्राउन था। गोल्डन ब्राउन का ये हमारा बनाना तैयार है। अब हम प्लेट लेते हैं प्रेजेंटेशन के लिए। ये हमने पैनकेक लिया, इसके साथ में क्रीम एंड ब्लूबेरी का जो स्टफिंग बनाया है वो हमने रेडी किया है। ये हम डाल देते हैं, इसमें अब बनाना डालेंगे, कैरमलाइज बनाना जो कर रहे हैं हमने। फिर अगेन इसमें हम पैनकेक डालते हैं, अगेन सेम प्रोसेस, क्रीम एंड ब्लूबेरी प्लस बनाना ऐड किया है हमने। पैनकेक थोड़ी ठंडी थी जाए पछी अपने क्रीम नु लेयरिंग करीशु। हाँ जी, अदरवाइज मेल्ट हो जाएगा क्रीम। बनाना डालेंगे, क्रीम नु लेयर केवु राखीशु। क्रीम का लेयर हम इसमें 50 टू 60 ग्राम क्रीम व्हिप क्रीम लेते हैं, या तो आप 1 टेबल स्पून या फिर 2 टेबल स्पून आप पर लेयर पे डाल सकते हैं। ओके, पैनकेक एकदम ड्राई होय छे, क्रीम को लेयर करेशो तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा गार्निश कर देते हैं, डस्टिंग करेंगे हम शुगर की। ये है आइसिंग शुगर, आइसिंग शुगर की हम इसमें डस्टिंग करेंगे। ब्लूबेरी फिलिंग्स डालेंगे। ओके, ये हमारा ब्लूबेरी फिलिंग टॉप में गार्निश के रूप में हम डाल देते हैं। ब्लूबेरी पैनकेक अब तैयार हो चुका है सर्व करने के लिए। इसमें हॉट एंड कोल्ड का कॉम्बिनेशन जो हमने दिया है क्रीम का, वो अच्छा लगेगा खाने। ओके, हाँ, पैनकेक थोड़ी हॉट हशे अने क्रीम छे कोल्ड हशे। हाँ, અને સરસ લાગશે, સ્પેશિયલી નાના બાળકોને વધારે ભાવશે। તૈયાર છે એક નવા પ્રકારની અલગ વાનગી બ્લ્યુબેરી પેનકેક। આની રીત હું તમને જણાવીશ, પણ અત્યારે સમય છે એક નાનકડા વિરામનો। મળ્યા વિરામ બાદ ગજાનન મસાલા પ્રસ્તુત નોખી અનોખી રસોઈ પાવર્ડ બાય પ્રસ્ટાઇન। લાલ મરચાનું એક શબ્દનું સરનામું ગજાનંદ। છેલ્લા 31 વર્ષથી ઘર ઘરમાં જાણીતું બધા જ પ્રકારના મસાલાનું ભરોસાપાત્ર નામ ગજાનંદ। લાલ અને તીખાની સાથે મને જોઈએ પ્યોર, એટલે જ મારી પસંદ ગજાનંદ મરચું। શ્યોર 100% શુદ્ધ અને કુદરતી ગજાનંદ મરચું। નવકાર મંત્રની ગુંજ અને પવિત્રતાની મહેકનો સંગમ એટલે સુપ્રસિદ્ધ શ્રી નવકાર ધામ। અર્ધ પદ્માસનમાં બિરાજેલા શ્યામ આરસથી નિર્મિત મનોહર એવા શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનના આશીષ મેળવો। અમદાવાદથી માત્ર 60 કિલોમીટર દૂર બગોદરા હાઈવે પર આવેલું છે આ પવિત્ર ધામ। પધારો શ્રી નવકાર ધામમાં। ये तो रोज रोज की परेशानी है। ले आओ प्रीस्टाइन ओरिजिनल का डिओडोराइजर ब्लैक फ्लोर क्लीनर, जो चींटियां मक्खी और कॉकरोचेस को दूर करता है और फ्लोर में नई चमक भी देता है। जहां हो प्रीस्टाइन वहां हो शाइन ही शाइन। शाबंदी हिंग कश्मीरी मिर्च सरसों से बना श्री गणेश अचार मसाला। श्री गणेश अचार मसाला स्वादिष्ट और निराला, इससे बने अचार को ना भूले खाने। વેલકમ બેક ટુ ગજાનંદ મસાલા પ્રસ્તુત નોખી અનોખી રસોઈ પાવર્ડ બાય પ્રસ્ટાઇન। આજે આપણે આવ્યા છીએ હોટેલ ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્કમાં, જ્યાં બ્રેક પહેલા શેફે આપણને એક ટેસ્ટી વાનગી શીખવી છે। લખી લો આ વાનગીની રીત। બ્લ્યુબેરી પેનકેક બનાવવા માટે જોઈશે સ્ટફિંગ। બનાવવા માટે વ્હીપ ક્રીમ 2 ટેબલ સ્પૂન, બ્લ્યુબેરી ક્રશ 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન। પેનકેક બનાવવા માટે મેંદો 250 ગ્રામ, બેકિંગ પાવડર 1 ટીસ્પૂન, દળેલી ખાંડ 2 ટેબલ સ્પૂન, દૂધ 120 ml, બટર 1 થી 2 ટીસ્પૂન, કેળા 1 થી 2 નંગ। બ્લુબેરી પેનકેક બનાવવા માટેની પદ્ધતિ।
સૌ પ્રથમ એક મિક્સિંગ બાઉલમાં વ્હીપ ક્રીમ લઈ તેમાં બ્લુબેરી ક્રશ ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરો. હવે પેનકેક બનાવવા માટે અન્ય એક મિક્સિંગ બાઉલમાં મેંદો લઈ તેમાં બેકિંગ પાઉડર, દળેલી ખાંડ, દૂધ ઉમેરી પોરિંગ કન્સિસ્ટન્સીનું બેટર તૈયાર કરો. એક પેનમાં બટર ગરમ કરી તેમાં તૈયાર કરેલા બેટરમાંથી પેનકેક ઉતારો. ગોલ્ડન થાય ત્યારબાદ તેને પલટાવી દો. થઈ જાય પછી એક પ્લેટમાં લઈ લો. હવે એક નોનસ્ટિક પેનમાં બટર ગરમ કરી તેમાં કેળાની સ્લાઇસને ગ્રીલ કરી લો. હવે સર્વિંગ પ્લેટમાં તૈયાર કરેલું પેનકેક મૂકી તેના ઉપર બ્લુબેરીનું તૈયાર કરેલું સ્ટફિંગ સ્પ્રેડ કરો. તેના ઉપર ગ્રીલ કરેલા કેળા મૂકી તેના ઉપર બીજું પેનકેક મૂકી એ જ રીતે સ્ટફિંગ સ્પ્રેડ કરી લો અને તેના ઉપર કેળાની સ્લાઇસ મૂકી દો. ફરી એકવાર તૈયાર કરેલું પેનકેક તેના ઉપર મૂકી ઉપર આઈસિંગ શુગર ભભરાવી બ્લુબેરી ક્રશથી ગાર્નિશ કરી સર્વ કરો. તો તૈયાર છે બ્લુબેરી પેનકેક. ફોર્ચ્યુન લેન્ડમાર્કમાં આજે શીખેલી બંને વાનગીઓ વિશે તમારો અભિપ્રાય જણાવો અમારા આ સરનામા પર. શ્રી દાદીમા મીડિયા સર્વિસીસ, કેસાત, સ્વામી વિવેકાનંદ ફ્લેટ, જોધપુર 4 રસ્તા, સેટેલાઇટ, અમદાવાદ 380015. ફોન નંબર 0796692966. અમારું ઈમેલ આઈડી છે nokhianokhirasoi@gmail.com. nokhianokhirasoi@yahoo.com. તમે અમને ફેસબુક પર પણ મળી શકો છો. અમારું ફેસબુક પેજ છે www.facebook.com/nokhianokhirasoi. મિત્રો, રસોડામાં બનતી કોઈ પણ સિમ્પલ વાનગીમાં થોડી ક્રિએટિવિટીની જરૂર હોય છે. પછી સિમ્પલ લાગતી વાનગી પણ એકદમ સ્પેશિયલ બની જાય છે. તો બસ આજે શીખેલી વાનગીઓ ઘરે ચોક્કસ બનાવજો. અત્યારે સમય થઈ ગયો છે તમારી દોસ્ત ધ્વનિને રજા આપવાનો. આવતીકાલે ફરીથી મળીશું આ જ સમય અને આ જ ચેનલ પર. ત્યાં સુધી બાય. મિત્રો, આજે આપણે બે નવી વાનગીઓ શીખવાની છે અને આ વાનગીઓ આપણને શીખવશે અમદાવાદના નારણપુરા વિસ્તારમાં રહેતા સંગીતા બહેન શાહ. તો આજે અમારી માટે શું લઈને આવ્યા છો? આજે હું ચીઝ બટર મસાલા બનાવીશ. સંગીતા બહેન, હવે બીજી વાનગી કઈ બનાવવાના છો? બીજી વાનગી આપણે સિંગદાણાની કચોરી લઈશું. ગજાનંદ મસાલા પ્રસ્તુત નોખી અનોખી રસોઈ પાવર્ડ બાય પ્રિસ્ટાઇન ના પ્રાયોજક ગજાનંદ કુમઠી લાલ કાશ્મીરી મરચું પાવડર. જહાં હો પ્રિસ્ટાઇન વહાં હો શાઇન હી શાઇન.